माजरी गांव में आयोजित हरियाणा उदय कार्यक्रम में SDM विशाल कुमार ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर शुरू किए गए सामुदायिक पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा उदय कार्यक्रम में गांव माजरी में DC कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में जिले का तीसरा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में SDM विशाल कुमार ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर SDM ने 118 शिकायतें सुनकर अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया। SDM ने सामाजिक सद्भाव व सामुदायिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर आयोजित हरियाणा उदय कार्यक्रम को आमजन के लिए उपयोगी बतलाया। उन्होंने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि प्रशासन जन समस्याओं का समाधान करने के लिए गांव की ओर चले और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके घर के नज़दीक हो सके। उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं का तत्वरित समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 500 से अधिक सेवाओं की ऑनलाइन शुरुआत की गई है, जिसका लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को गांव के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने नागरिकों से सरकार की ऑनलाइन सेवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर SDM ने स्कूलों में बोर्ड कक्षाओं में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों गरिमा, नेहा, प्रियंका, ऋतिका, ईशा आदि को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। SDM, CTM, DSP सहित अन्य अधिकारियों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण करते हुए ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके उपरांत उन्होंने स्कूल परिसर में ही कबड्डी, मटका रेस और रस्साकसी मुकाबलों का भी शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर DDPO ललित वर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर मनीष दबास, सरपंच धर्मवीर सिंह, DEO राजेश कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।